किसी नूं देख के ये ना कहो कि मैं आ बनना है, अपने अंदरों पुछो तुसी की बनना। आंडा आंडे की किस्मत च टुटना लिखा है, आंडे ने टुटना ही टुटना है, पर फर्क इन्ना क्या है, जे आंडा बाहरली फोर्स ना टुटता है तो अंदरली जिंदगी खत्म, जे अंदरली फोर्स ना टुटता है तो जिंदगी शुरू। अपने आप फुटो अंदरों, बाहरलिया फोर्सा ते ना जाओ कि मैं आ बना दो, मैं ये वर्गा बनूंगा, ये वर्गा बनूंगा, अपने वर्गा बनो। परमात्मा ने हर एक बंदे नूं कोई ना कोई गुण दिता है, पछाणन की लोड़ है। आलोचना झलनी सीखो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, जिहड़े आपां कपड़े पाउने आपके वास्ते थोड़ी पाउने, लोगों को दिखाने वास्ते पाने। जे सानू इन्ने प्यारे कपड़े ने घरे घरे जाके जान सर पहले इन्हों क्यों लाने, जिहड़े जहाज होंगे ने 747 787 777 बहुत बड़े जहाज बोइंग दे एयरबस दे, उन्होंने इंजनों च बहुत ज़्यादा ताकत होंगी है, लगभग 400 तो उपर सवारियां, उन्होंने समान अपना खुद का वजन लगभग 225,000 लीटर तो वध तेल लैके वह उड जाते हैं, इन्नी तक होंगे। पर एक बहुत इंट्रस्टिंग गल दसदा थानू मैं, कि जदों वह जहाज एयरपोर्ट के गेट पर लग्या खड़ा होंदा है, उहदी ताकत जीरो होंदी है, क्योंकि जहाज के बैक गेयर नहीं होंदा, अगे जा नहीं सकता, बैक हो नहीं सकता। फिर एक छोटा जिहा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उन्होंने इदा करके सीधा कर देता, जहाज में रन भी दिस जाता, फिर ट्रैक्टर को कहता थैंक यू वेरी मच, हूँ मैं अपने इंजन पर यकीन है। मेरे देश का सारा यूथ बहुत बड़े बड़े जहाज है, तुहाडे इंजन पर मैं कोई शक नहीं, पर कोई लीडर कोई यहोजे विद्वान जो ट्रैक्टर बन के थानू सीधा कर देन, वो नहीं मिले। अपने आप कोई सीधे हो गए, बिंगे टेढ़े जे हो गए तो हो गए, नहीं तो बस सानू इधरों तो कुछ मिलया नहीं। त्रासदी देखो, असी आईलेट्स नू डिग्री समझी बैठे हैं, एक इंग्लिश का छोटा जा टेस्ट है, हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा है न्यूजीलैंड जाने लिए मिलो, आस्ट्रेलिया वाले आ जाओ इधर, कनेडा, किसी ने कहा कि पंजाब च रहन लिए मिलो, वो मैं कहना तो पंजाब च रहन लिए उत्थे जाके दिक्कत आउंदी ने, भाषा हो रहा है, मौसम हो रहा है। फिर मेरे को आते बुलाओ जी वापस, इन्हों जेल चले गए, आप आपका घर क्यों ना ठीक करिए, भी अपने आप को पछाण लो कि तुसी कौन हो, पता लग जूगा। बस एक चिड़ियाघर सीगा, उहदे विच एक शेर सीगा, किसी बाहरले मुल्क की गल, वो शेर जिहड़ा सी पिंजरे च वो लोगों तो डरता सी, जदों उहदे कोल लोक आउंदे सी वह डर के एक पासे हो जाता सी पिंजरे दे, तो जिहड़े प्रबंधक सी ऑर्गेनाइजर सी उस जू दे, वो कहिंदे यार इहदे करके लोग टिकटां लैंदे ने वी इहनूं देखणा है जां इहदे नाल फोटो करवाउणी है, यह डर जांदा है। उन्होंने डिस्कवरी चैनल वाले एक्सपर्ट बुला ले लंडन तो, जानवरों के एक्सपर्ट, उन्होंने CCTV कैमरे लाते, 15 दिन हर एक्टिविटी नोट की थी शेर की, तो 15 दिन बाद हैरानीजनक नतीजे ते पहुंचे, स्टनिंग रिजल्ट। वो कहिंदे इहदी मां भी पिंजरे सी, ये पैदा पिंजरे ही होया, इस करके इहनूं पता ही नहीं कि मैं कौन हाँ, शेर नूं यह नहीं पता कि मैं कौन हाँ, क्योंकि माहौल नहीं मिले उन्हें शेर बनने का, वो जो जंगल च होंदा अपने झुंड नूं अपने मां नूं अपने साथियों नूं बड़े बड़े झोटियां नूं गर्दन तो फड़ के डेगदा देखदा, फिर वो आपदे पंजे चलाउंदा,
फिर शेर बनता। हूँ तो उत्थे बने बनया मीट मिली जाता है, उन पता ही नहीं मैं कौन हाँ। इस करके मैं ये कहना चाहना कि हर बार शेरनी दे पेटों पैदा होने का मतलब भी शेर नहीं होंदा, माहौल शेर बनाउंदा। सो प्रैक्टिकल वल ध्यान दिओ ज़्यादा, थ्योरी तो अब कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल।